वेलकम टू डबल वन डबल वन। आज एंजल टैरो, चलिए क्लिंजिंग करते हैं। हरे कृष्ण एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभु, जय माँ भगवती, जय गजानन देव। हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आज एंजल्स, थैंक यू माय ऑल डिवाइन फैमिली। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, क्योंकि अभी बहुत जगह बारिश हो रही है, बहुत जगह समस्याएं दिख रही है टीवी पर। तो देखिए, अपने आप का ध्यान रखिए, अपने आप को सेफ रखिए, अपने परिवार के साथ रहिए। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज का जो एंजल नंबर आ रहा है, आपने स्क्रीन पर देख ही लिया है। एक्चुअली मुझे अभी 10 लेना चाहिए था, बट एक इमरजेंसी नंबर मुझे यहाँ सजेस्ट हो रहा है, वो नंबर लेती हूँ, कल वापस 10 पर बनाऊंगी। एक नंबर है 1441, मतलब 2:41 बार बार दिख रहा है, या आपको कहीं पर 1441 यदि बार बार नजर आ रहा है, तो एंजल आपको क्या इस समय बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज क्या देना चाहते हैं। एंजल आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, एंजल आपसे बहुत सारे एंजल नंबर बताकर आपसे बात करना चाहते हैं, आपको रास्ता दिखाना चाहते हैं, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे ले जाना चाहते हैं। आपको जीवन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छूट गई थी, जो आपसे अनदेखी रह गई थी, वहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन आप उनकी सुन नहीं रहे हैं। जब आपकी सुन नहीं रहे हैं, तो वो आपको 1441 नंबर शो करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको जानना। इस समय इस एंजल के मैसेजेस को जानना बहुत ज़रूरी है, एंजल के मीनिंग नंबर को जानना यहाँ बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा आपको आपके हायर गोल की तरफ ले जाना चाहते हैं, वो आपको हमेशा अपलिफ्ट करना चाहते हैं आपके स्पिरिचुअल जर्नी में, आपके लाइफ की जर्नी में, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं, आप एक जो एक लाइन होती है जिस पर हम ग्रोथ कर पाते हैं, वहां पर भी आप कई बार डगमगा जाते हैं या अपनी सोच के अनुसार वहां चलना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आप अपने प्लान के अनुसार, जो डिवाइन ने अब आपके लिए प्लान बनाया, वहां पर आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको यहां पर गॉड के प्लान को फॉलो करने के लिए स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, इसलिए आपको ये 1441 नंबर दिखाया जा रहा है। आपको ये 1441 एक ऐसा नंबर है जो आपसे एंजल बताना चाहते हैं कि आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं है, आप अपनी जिद और अपनी इच्छाओं के अनुसार या अपनी सोच के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, न कि आपने सरेंडर किया है, न ही आपने ट्रस्ट किया है एंजल पर। तो ये नंबर इसलिए शो किया जाता है ताकि आप डिवाइन पर ट्रस्ट करें, एंजल्स पे ट्रस्ट करें। ओके, यहाँ मैरिज को लेकर कोई है आपके लाइफ में कोई सिचुएशन जिसके कारण एंजल आपको कुछ बताना चाहते हैं। ओके, या ये कार्ड मेरे से बहुत छूट रहे हैं आज। वो आपकी न्यू बिगनिंग कराना चाहते हैं, वो आपके जीवन में एक नया अध्याय स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत सारी तनातनी चल रही है, बहुत सारे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां आप अपने लाइफ में इस समय देख रहे हैं। ये टाइम है आपके लाइफ में, मैरिज लाइफ में जस्टिस क्रिएट करने का। आपके जो न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, वहां पर आपके सोलमेट्स लोग मिलेंगे, आपकी कम्युनिटी के लोग मिलेंगे। यहाँ पर आपके जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा है कि आपके मैरिज लाइफ में बहुत दिनों से जो खुशियाँ नहीं थी, मैरिज लाइफ में बहुत दिनों से जो तनातनी थी, अब वो आपके घर में सुख शांति क्रिएट की जा रही है। आपके मैरिज लाइफ में जस्टिस आ रहा है, आपके मैरिज लाइफ में एंजल के द्वारा एक नया संचार किया जा रहा है, लेकिन शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर उस अपनी मैरिज लाइफ को खुश रखने के लिए जो करना चाहिए उसमें आपको शायद मन नहीं कर रहा है, या फिर आप अपने दृष्टिकोण से चलना
चाहते हैं। तो यहाँ एंजल आपको बताना चाहते हैं कि डिवाइन प्लान अलग होता है, आपकी सोच का प्लान अलग होता है, बट जब डिवाइन अपना प्लान करते हैं और वो आपको कनेक्ट करते हैं, तब आपको अपनी चीजों की जगह डिवाइन के प्लान को फॉलो करना पड़ता है, गॉड के प्लान को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि आपके जीवन में जस्टिस क्रिएट किया जा रहा है, आपके मैरिज लाइफ में जस्टिस क्रिएट किया जा रहा है, आपके जीवन में एक नया अध्याय स्टार्ट किया जा रहा है, एक आपके अध्याय आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग की जा रही है, जहां पर आपको आपके सोल फैमिली मिलने वाली है, जहां आप खुश रहेंगे, जहां आपको अच्छा फील होगा, जहां आप ग्रोथ देखेंगे, जहां आपके जीवन को सार्थक होते हुए देखेंगे। इसलिए आपको 144 नंबर दिखाया जा रहा है, क्योंकि कहीं 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 यहाँ ट्रस्ट इशू आ रहा है या फिर सरेंडर इशू आ रहा है। यहाँ आपके जीवन में कोई बच्चा है या फिर आपके परिवार में कोई बच्चा है या आपके फैमिली में बच्चा है, जिसके जीवन में काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कंपटीशन चल रहा है, उसके जहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं, या आप खुद यदि इस एज के हैं, आप यदि 20 से 30-35 की एज में हैं, तो यहाँ आपके जीवन में बहुत कंपटीशन है, संघर्ष है, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में भी बहुत संघर्ष आ रहा है, लेकिन आपको जो एंजल नंबर शो किए जा रहे हैं वहाँ आपका ध्यान नहीं जा रहा है, और आप अपने जीवन के लिए जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, गॉड की द्वारा अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, उसको भी लेने को रेडी नहीं है, क्योंकि आपका माइंडसेट उसको रिजेक्ट कर रहा है, आपका माइंडसेट अपनी रूल्स रेगुलेशंस यहाँ रख रहा है। इसलिए आपको 1441 नंबर दिखाया जा रहा है, ताकि आप डिवाइन गाइडेंस पे चले, ताकि आप डिवाइन पाथ पर चलें, ताकि डिवाइन आपको उस जगह ले जाए जहाँ डिवाइन आपको ले जाना चाहते हैं, एंजल ले जाना चाहते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। यदि आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आपको मेडिटेशन के दौरान बहुत सारे साइन दिए जाएंगे, बहुत सारे नंबर शो किए जाएंगे, एंजल नंबर शो किए जाएंगे, तो उनको आपको समझ के आगे बढ़ना होगा। यदि आपको 1441 नंबर दिखाया जा रहा है, तो आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। देखिए, कई बार हम लोग की मान्यताएं, हमारी धारणाएं, हमारी जो सोच होती है, वो हम लोग कई बार अपने जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे अपनी एक सोच डेवलप करते हैं, पर जब हम आध्यात्मिक लाइन की तरफ जाते हैं या एंजल अपने एंजल नंबर शो करते हैं, तब हमें सरेंडर होना पड़ता है, हमारी सारी इच्छाओं की, हमारी सारी रूल्स रेगुलेशंस को हमें ताक पर रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें एंजल गाइडेंस पर चलना होता है। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिवली बिहेव करना चाहिए, आपको सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहिए, डोंट स्टॉप। और आप यदि एंजल नंबर देख रहे हैं, तो आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि कहीं तो कहीं आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं, या एंजल्स आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि उन्हें रिमूव करने की ज़रूरत है, उन्हें गेट आउट करने की ज़रूरत है। बी असर्टिव, जिस लाइन पर अब आगे बढ़ रहे हो उस पर आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ नो का कार्ड क्यों आया है, मैं एक मिनट देख लेती हूँ, क्योंकि आपको जिन कामों को लेकर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, वहाँ पर प्रोग्रेसिव रूप से आगे बढ़िए। ओके, आप में से कुछ लोगों ने यहाँ नो का कार्ड इसलिए दिया कि कुछ तो भी क्वेश्चन किया है कि क्या हम ये करें या वो करें, तो यहाँ पर आपको नो बोला गया, नहीं वो आपको नहीं करना है, लुक फॉर अ साइन। तो आपको एंजल नेक्स्ट साइन दिखा रहे हैं, क्योंकि आपने अभी अभी सरेंडर किया है, कभी अभी ट्रस्ट किया है, तो एंजल यहाँ बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है उसके लिए नेक्स्ट साइन वो आपको देने वाले हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, एंजल्स आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे, और एंजल नंबर शो करेंगे, जिससे वो आपको मार्गदर्शन देने वाले हैं। सिचुएशन विल इम्प्रूव। अब जिस सिचुएशन में जिसको लेकर आप यहाँ पर देखने आए हैं, उस सिचुएशन में सब कुछ सकारात्मक रूप से चेंजेस होने वाला है। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी ज़रूरत है, कुछ आपको यहाँ पर अपने जीवन में कुछ समझौता भी करना होगा। यहाँ पर ये बताया, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अभी भी आपको दुविधा है, तो आप किसी से पूछ सकते हैं,
क्योंकि आप एक कम्युनिटी में हैं जहाँ पर आपके जैसे ही लोग हैं, आपके जैसे सोलमेट्स हैं, तो वहाँ आपको अपनी बात रखनी चाहिए, अपनी बात पूछनी चाहिए, हो सकता है आपको आंसर मिल जाए। ओके, रोमांस है आपकी लाइफ में, बहुत प्यार है आपकी लाइफ में, तो यहाँ पर एंजल्स कवि द्वारा यहाँ पर ये शो किया जा रहा है, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आपने जो क्वेश्चन किया है उसके बारे में बताया जा रहा है, विद इन द फ्यू वीक्स में हो जाएगा, नॉट द राइट टाइम। मे बी आपने क्वेश्चन और किया है तो उसका भी सही समय नहीं है, तो वो क्या चीज है, लेट गो। ओके, उन्हें माफ, उन्हें छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए, जाने दीजिए, इसके बारे में अभी आपने क्वेश्चन किया है उसके बारे में बात करने का भी समय नहीं है, बल्कि उनको भूल कर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। यदि ये 1441 आप देख रहे हैं तो उसकी ये रीडिंग थी। तो यहाँ पर यदि आपको कोई और क्वेश्चन करना है या कोई और इंजन नंबर दिख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। मेरा इको चैनल है टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919, आप उसमें भी विजिट कर सकते हैं, उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।